चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ और वो किसी के साथ ना हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है? मैं सिखा नहीं रहा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। अगर आप अमेजोन पर रेनोवेट लैपटॉप लेने जा रहे हो तो सावधान हो जाइए। मगर क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। आप इस अनबॉक्सिंग वीडियो को देखो तब पता चलेगा। मैं जल्द से बॉक्स को खोल लेता हूँ। इसके साथ 65 वाट का चार्जर आया है। इसमें 6 मंथ की वारंटी दिया जाता है। जल्द से मैं लैपटॉप को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अगर रेनोवेट लैपटॉप ले रहे हैं तो आप लैपटॉप की बॉडी अच्छी तरह से चेक कर लें और सारे पोर्ट को भी अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, इसकी बॉडी टूटी हुई है। और चलिए जल्द से मैं लैपटॉप को पावर ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों, लैपटॉप को इस तरह से खोलें ताकि पता चले कि डिस्प्ले का हिंज हिल रहा है या नहीं, और इसकी कीबोर्ड को अच्छी तरह से जांच ले ताकि इसमें देखे कोई कीबोर्ड का बटन अलगा हुआ तो नहीं है। तो चलिए लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। वो दोस्तों, ये क्या हुआ? देखिए डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। दोस्तों गाइस, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है लैपटॉप को, पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ना डिस्प्ले में लाइट आ रही नहीं। लेकिन लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले में लाइट आ रही है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें लाइट अभी आ रही है ठीक ठाक। इसकी फीचर्स की बात करें तो 8 GB रैम है, 256 GB का स्टोरेज SSD HDD स्क्रीन के साथ आया है और इंटेल कोर i5 से 6th जनरेशन के साथ। दोस्तों, अगर रेनोवेट लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो प्रोडक्ट का वीडियो जरूर बना लेना, क्योंकि रिप्लेसमेंट में काम आएगी। दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, रेनोवेट प्रोडक्ट खरीदते समय सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।